आप हमें बताइए कि ये जो पूजा का महत्व है, इसका किस प्रकार से, जैसे कि आज ये आयोजन किया जा रहा है, तो आप इसके बारे में कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे? हाँ, मैं श्री महंत राम पदारथ दास यहाँ राजगढ़ तहसील में सामती करके जगह वहाँ रहता हूँ, और दुख भंजन हनुमान से मैं जुड़ा हूँ। तो राम लखन दास जो यहाँ पुजारी है, वो धोनी उठाया तपस्या हमारे महात्माओं में पंच भूमि से लेकर के और कोट खपर तक 18 साल का एक तपस्या का, तो उसने वो शुरू किया इस साल से माघ मेले से प्रयाग से, और उसके 5 महीना के उपरांत 5 महीना तक वो नियम सर अपना धुनि तापा और गंगा दशमी को उसको मतलब शांति करने का, ठंडा करने का ये अवसर होता है। तो इस पर उसने हम लोगों से राय विचार लिया, उसके श्री गुरु महाराज बैठे हैं, श्रीमान शिरोमणि दास जी महाराज, और हमारा सादिक चेला है। तो उसने हमसे ये सब कहा कि ऐसा ऐसा, अरे हमने कहा तो बहुत उत्तम विचार है। तो मेरे ख्याल से एक ही राम अर्चन पूजन ये पहली बार ही हो रहा है, 18 पुराण भगवत सब होते ही रहता है देवभूमि, परंतु ये राम अर्चन मतलब भगवान को ही पुनः प्रतिष्ठित करके और वहाँ वेदी पर स्थापित करके फिर सरसोपचार से, सहस्त्रोपचार से उनका पूजन, उसका नाम रामर्चन है। और जितने भी फल फूल हैं संसार में सृष्टि के, वो सब कुछ उनको अर्पण किया जाता है, द्रव से लेकर के सोना चांदी से लेकर के फल फूल से मेवा मिष्ठान से 56 भोग भंडार, वो सब भगवान को अर्पण किया जाता है। तो एक अपने आप में ब्रह्मांड का एक चक्र है, इसमें कोई देवी देवता कोई वंचित नहीं रहते, सब इसमें सम्मिलित रहते हैं। तो ये महात्मा बहुत अच्छा विचार किया इसने, बड़ा सराहनीय काम किया, इसी उपलक्ष्य में धुनी ठंडी के उपलक्ष्य में राम अर्चा का पूजन अयोध्या से आए, जो आचार्य राम अयोध्या से आए और उनके द्वारा सब संपन्न हो रहा है, उसके उपलक्ष्य में 56 भोग का आयोजन है, और आज एकादशी है, कल दशमी को धुनी ठंडी हो गया, आज भगवान का पूजन है एकादशी को, जरा एकादशी, ये सब भी बड़ा एक योग संयोग की बात है कि ऐसे अवसर मिलना और उसमें अपने आप को शामिल पाना, ये बड़ी सौभाग्य की बात है। और कल इसका भंडारा भगवान, तो हम लोग भी इसका आयोजन करेंगे, यहाँ भी मेरा एक आश्रम है अलग, अब हम लोग भी इसका आयोजन करेंगे, क्योंकि हम तो बहुत दिन से सोच ही रहे थे, तो हमारे भी आश्रम का निर्माण हो रहा है, अभी प्रतिष्ठा बाकी है, वो सब होगा तो फिर नियमित रूप से सब आयोजन किया जाएगा। पर भगवान ने इसको अग्र बुद्धि दिया और बहुत अच्छा काम किया है कि क्षेत्र की जनता की भाव भक्ति और उसके पुण्य कर्म उदय हुए तब ऐसे काम का आयोजन हुआ है। तो इसमें सबको सम्मिलित होकर के दर्शन करके भगवान सब मिलकर के पुष्प चढ़ाए, ब्राह्मण आचार्य जो है मंत्र बोलेंगे, सारी जनता जितना भी है सब मिलकर के भगवान को पुष्प अर्पण करेंगे, सब अपना अपना मनोकामना भगवान से, तो सबका सफल हुआ। और हम साधु महात्मा लोग, मैं अयोध्या से आया हूँ अभी फिलहाल, जहाँ भी मेरा आश्रम है, एक आश्रम गुजरात में है गिरनार में, महाराज जी अयोध्या में विराजते हैं, वृंदावन में विराजते हैं, महाराज जी मंडी में विराजते हैं, नरहरिदास जी महाराज, और महाराज जी हमारे पास में वहाँ नेरी पुल के पास में ललनदास जी महाराज, मैं श्री ललनदास जी महाराज, और अयोध्या से हमारे साथ आनंद दास जी बर्फानी सीताराम बना रहे हैं, और बलग है पांडवों का तीर्थ क्षेत्र है बलग, जहाँ मंगलेश्वर महादेव है, पांडव काल की पांडवकालीन शंकर जी का मंदिर है, वहाँ के पुजारी हैं दिलीप प्रधान, तो वंश परंपरागत से पुजारी हैं, तो बहुत अच्छा दर्शन मेला का जो है अवसर मिला हम लोगों को, बड़ी खुशी बड़ी आनंद हुई, और जनता की बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि ऐसे अवसर यहाँ आयोजन हुए, नहीं तो इतनी जगह में और ये सब आयोजन के लिए बड़ा भारी भरा, पर इतने ही में वो कैसे सब कुछ हो रहा है,
करवा रहे हैं और बहुत अच्छा, और क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद, ऐसे काम कराते रहो आप लोग, साधु महात्मा को, साधु ब्राह्मण को प्रसन्न करो। शास्त्रों में लिखा है स्वर्ग सीतानामी बसंती देहे दान प्रसंगो मधुरा से वाणी देवार्चनम ब्राह्मणम दर्पणम। स्वर्ग से आए हुए जीव के लक्षण है मधुर वचन बोलता है, साधु ब्राह्मण को देवताओं को तृप्त करता है, दान देने में उदारता है, ये सब स्वर्ग से आए हुए जीव के लक्षण है। तो तभी ये सब संभव है, क्योंकि 84 लाख योनी आहार निंद्रा भय मैथुन सारा सृष्टि के जीव यही कर रहा है, सबके संतान होते हैं, सबको भूख लगता है, सबको निंदा आती है, सबको भय लगता है। ये कर्म जो है ना मनुष्य भी करता है और पशु भी कर रहा है, पर विशेषता ये है मनुष्य में कि जो ये सब न विद्या न तपो न दानम न जाति न शीलम न पुनो न धर्म, ये सब गुण जिसमें नहीं है वो मनुष्य के रूप में पशु है, और ये सब है तो मनुष्य कहलाने के योग्य है, और उसका ये सब परिणाम है भगवतार्थ कर्म कल्याणार्थ कर्म। ये सब जो है मनुष्य करते हैं, मनुष्य है, ये सब बड़ी सौभाग्य बड़ी तपस्या की बात है, और स्वर्ग से आए हुए जीव के लक्षण है, और यहाँ से नरक में जाने वाले के भी लक्षण है, वो उनका क्या जो है विचार और क्या उनकी क्रियाकलाप होती है। तो अत्यंत कोपक कटुका से वाणी दरिद्रता च सुजने सुबहरा, अत्यंत क्रोधी कटु वचन को बोलने वाला, दरिद्रता अपने भाई बांधवों से बैर, और नीच की दोस्ती और कुलहीन की सेवा, ये सब नरक में ले जाते हैं। तो इसीलिए अपने बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अच्छे का संगत करो, अच्छे के पास बैठो, अच्छे की बातें सुनो, कुछ ना कुछ तुमको ज्ञान जरूर प्राप्त होगा। तो वो सब ये सब माध्यम है, इससे सीधा जो है ना एक व्यक्ति फूल तोड़ता है और सुनता है, इधर रखता है उधर रखता है, थोड़ी देर में वो जो है ना पाँव के नीचे आकर के और कुचल कर उसका सत्यानाश हो जाता है। एक नेता है गले में फूल के माला डाल देते हैं, उसका भी थोड़ी देर में वही गति हो जाता है, और वो फूल एक संत महापुरुष के हाथ में जाता है तो सीधे भगवान के पास चढ़ा देते हैं, कहीं और नहीं डालते। वैसे जीव है कुछ अवसर ऐसा आता है तो सीधा भगवान के पास पहुंच जाता है। बाकी संसार में ठोकरे खा रहे हैं अपने कर्म के अनुसार, अपने क्रियाकलाप के अनुसार, ये सौभाग्य है कि ऐसे कार्य में सम्मिलित होकर के और एकदम भगवान के नजदीक पहुंच जाते हैं। तो सब जनता को साधुवाद, बड़े का आचरण देख करके ही छोटे आचरण करके फिर उस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, तो उनको भी साधुवाद है, सबको आशीर्वाद है। रामचंद्र भगवान जय, जय हनुमान जी महाराज की जय, तारा देवी माता की जय, असीम कृपा तारा देवी माता की, उनके सानिध्य में उनके प्रांगण में सदा जन हो रहा है, शक्ति बैठी हुई है, बहुत बहुत धूपमग्रप्यामि धूपान्ते दीपम चंद्रवामंजोजाचक्रोहोश्रुर्ज्वाजायतरोदाद्वायुसुप्राणसमुखाशनिवेलायतरोदस्यामि दीपांके अतोपिशालं नैवेद्यं सूचयामि संजलादण्डकाद्यानि जगच्छिर्गितानि च आहारं भक्तभोज्यं नैवेद्यं सूचयामि नैवेद्यं सूचयामि हम हरिओम हम वो